तो फाइनली दोस्तों, मोस्ट वायरल एंड कंट्रोवर्शियल मूवी द केरला स्टोरी ने आज 10 दिन कंप्लीट करके 11वें दिन में एंट्री मार ली है और क्या धमाकेदार ग्रोथ करी है, दिन पर दिन मान गए। दोस्तों मूवी को सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में खूब प्यार मिल रहा है। तो आज जानेंगे कि मूवी अभी तक कितनी कमाई कर चुकी है, पब्लिक की तरफ से कैसे रिव्यू मिल रहे हैं, मूवी इतनी कंट्रोवर्शियल क्यों है, सब जानेंगे उस कुछ ही देर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना अगर आप भी ऐसे रियल इंसिडेंट कंटेंट के डाई हार्ड फैन हैं तब। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सुदीप्तो सेन के डायरेक्शन में लगभग 35 से 40 करोड़ के टोटल बजट में बनने वाली फिल्म द केरला स्टोरी एक रियल इंसिडेंट पर बेस है और जो भी मूवी को देखकर थिएटर से बाहर आ रहा है उसकी रूह कांप जा रही है, क्योंकि ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट इज वेरी प्योर। बहुत सी जगह ऐसे ब्रूटल सीन्स हैं जो बड़े पर्दे पर अधिकतर फिल्टर के साथ दिखाए जाते हैं, पर इस मूवी में आपको काफी रियलिटी देखने को मिलेगी, इसलिए लोग इसे पसंद भी खूब कर रहे हैं। यहाँ दोस्तों अदा शर्मा के मेन लीड में बनने वाली द केरला स्टोरी कैरेक्टर रोल प्ले के मामले में एक नंबर चल रही है। यस, मेन लीड सपोर्टिंग कास्ट में भी आपको सिद्धि इदरानी, योगिता बिहानी और सोनिया बलानी जैसे दिग्गज स्टार देखने को मिलेंगे। दोस्तों हैट्स ऑफ है इन चारों लड़कियों की एक्टिंग को, जो रियल इंसिडेंट को तड़का लगाया है अपनी एक्टिंग से, मान गए इनकी कलाकारी को। शायद इससे बेहतर ये रोल और कोई भी प्ले नहीं कर सकता था। जी हां दोस्तों, अपने पहले दिन जहां 8 करोड़ के ऊपर की बिग ओपनिंग लेते हुए इस अंडरडॉग मूवी ने हेटर्स के होश उड़ा दिए थे, और दूसरे दिन 11 करोड़, तीसरे दिन 16 करोड़, चौथे दिन 10 करोड़ और पांचवें दिन भी 11 करोड़ की जबरदस्त स्ट्रांग होल्ड करते हुए इसी के साथ इस फिल्म ने बहुत कम समय में अपने पहले हफ्ते में ही 81 करोड़ 50 लाख से ऊपर का जबरदस्त स्ट्रांग होल्ड कर लिया था। दोस्तों इसी के साथ द केरला स्टोरी बॉलीवुड की टॉप 10 मूवी मोस्ट लवेबल फिल्म बन चुकी थी और आंकड़ा अभी भी स्लो डाउन नहीं हुआ था और अपने दूसरे हफ्ते में अपने पहले हफ्ते से भी ज्यादा स्ट्रांग होल्ड करते हुए रिकॉर्ड तोड़ ग्रोथ करते नजर आई। जी हां दोस्तों, अपने 8वें दिन जहां इस फिल्म ने 12 करोड़, 9वें दिन 19 करोड़ का हिस्टोरिकल कलेक्शन किया था, इसी के साथ 10वें दिन 9वें दिन का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 24 करोड़ का भारी भरकम कलेक्शन अपने खाते में रखकर सिक्योर कर लिया था। इसी के साथ अपने पहले 10 दिन का टोटल इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 136 करोड़ के ऊपर सेट कर दिया था और फीमेल लीड में बनने वाली टॉप 10 मूवी में अपना नाम दर्ज कर लिया था। साथ ही राजी, गंगूबाई काठियावाड़ी, वीरे दी बैडिंग जैसी दिग्गज फिल्मों को भी खदेड़ दिया अपने 10वें दिन के कलेक्शन के मामले में। बात करें आज अपने डे 11 में क्या हाल है फिल्म के, तो भाई साहब बहुत अच्छे हाल चल रहे हैं फिल्म के। मंडे वर्किंग डे होने के बावजूद एडवांस कलेक्शन 3.5 करोड़ के ऊपर होल्ड किया, वहीं मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी रेट जबरदस्त स्ट्रांग होल्ड करते हुए आफ्टरनून और इवनिंग में भी कमाल की ग्रोथ करते हुए नजर आ रही है और एंड ऑफ द डे शायद 13 से 14 करोड़ का बिग कलेक्शन अपने खाते में रख लेगी फिल्म। और इसी के साथ एंड ऑफ द डे टोटल इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 150 करोड़ के ऊपर होगा, जो कि एक रिकॉर्ड तोड़ नंबर है एक बहुत छोटी स्टार कास्ट और बहुत छोटे बजट में बनने वाली फिल्म के लिए। दोस्तों मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी। अगर आप लोगों ने भी द केरला स्टोरी मूवी को देख लिया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? दूसरा, क्या द केरला स्टोरी 200 करोड़ के कलेक्शन को क्रॉस कर पाएगी? फटाफट अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर पेश करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।